पास वालों के लिए खुशखबरी ये है कि आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आज से यानी 21 तारीख से, और आप लोग 20/10/2021 तक फॉर्म भर सकते हैं, एक महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 12th पास करने वालों के लिए खुशखबरी है कि इसमें आपको 50% की ज़रूरत नहीं है, 50% की आवश्यकता नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 50% की ज़रूरत केवल उन लोगों के लिए जो उसके समकक्ष डिग्री लगाते हैं, जैसे 10+ ITI लगाते हैं, 10+ पॉलिटेक्निक लगाते हैं, उनके लिए शर्त लागू होती है कि 50% की उनके लिए आवश्यकता है कि पॉलिटेक्निक में 50% होना चाहिए या ITI में 50% होना चाहिए। अगर आप 12th से फॉर्म भरते हैं, 12th से अगर आप पास हैं, तो आपको 50% की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्म आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वेबसाइट है rrbapply.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉन आपको एक ही जॉइन चॉइस करना है, जॉन आपको एक चॉइस करना है, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं किसी भी जॉन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी ऑल इंडिया में गर्ल्स और बॉयज सबके लिए वैकेंसी होती है, गर्ल्स और बॉयज सबके लिए होती है। और एज इसमें एज की बात करें 18 से 33 एज रखी गई है। OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी नियमानुसार, SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी नियमानुसार, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, SC ST के लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, OBC के लिए भी आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। जो EWS में आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगवाना है, SC ST को सेंट्रल का लगवाना है, और OBC को भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। धन्यवाद।